जय हिंद, ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी या फिर न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। ठीक है, देखो भारत में आदिकाल से अनंत काल तक आप देखोगे तो कई एक अगर आप पौराणिक कथाओं में वर्णित और चर्चित प्रमुख जो है शस्त्रों के बारे में अगर बात करो तो उसमें जो है ब्रह्म शस्त्र, दिव्य शस्त्र, ऐसे कई एक अस्त्र शस्त्रों का जो है वर्णन जो है महाभारत और कह सकते हैं कि रामायण में देखने को मिलता है। और युद्ध में प्रयोग होने वाले ऐसे शस्त्र कई एक ऐसे क्षत्रियों के जो है कह सकते हो कि तीर कमान में हमेशा रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको उनके गुरु के द्वारा वह अस्त्र शस्त्र की विद्या और ज्ञान को देते हुए वह इस बात को अवश्य देने से पहले एक चीज़ कहा करते थे कि इन ब्रह्म शस्त्रों का प्रयोग सबसे अंतिम, जब तमाम अस्त्र शस्त्र आपके विफल हो जाएं तो अंतिम में प्रयोग करना। कहने का मतलब है कि प्रथम दृष्टा जो है इन तमाम जैसे महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग वर्जित है। ठीक है, मतलब इसे अंतिम एकदम लास्ट रिसॉर्ट, जब कोई अब उपाय ना बचा हो तब ऐसे दिव्य शस्त्र और ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग किया जा सकता है या फिर करना चाहिए, ऐसे वो सिखाते थे। तो अभी जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके जो चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भारत की न्यूक्लियर वेपन्स की पॉलिसी, उसकी डॉक्ट्राइन, ठीक है, के बारे में वे कहते हुए कहते हैं कि भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वह हमारे अतीत की आइडियोलॉजी को दर्शाता है कि हमारे अतीत में हमारे देश के दर्शन कैसा था, हमारा देश का फिलॉसफी कैसा था, हमारा देश के आदिकाल में सिद्धांत कैसा था, उसका एक मैनिफेस्टेशन है, उसका एक एक प्रकार से कह सकते हूँ कि अभी जो हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसी का एक कह सकते हो कि रूप है या फिर उसका ही मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि ये हमारी सिविलाइजेशनल जो इथॉस है, ठीक है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के लोगों को एसिमिलेट करने की जो हमारी एक परंपरा है, जो फेथ है, जो आइडिया है, उस डॉक्ट्राइन को यह जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसकी जो कह सकते हो कि हमारा जो दर्शन है सभी को एक साथ लेकर चले, सर्वधर्म संभाव की जो अवधारणा है या वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, उस अवधारणा और कल्चरल और कह सकते हो सिविलाइजेशनल इथॉस को भी वह फुलफिल करता है और वही जो है हमारा जो है अभी वर्तमान का न्यूक्लियर पॉलिसी जो है बनाने में मदद करता है। ठीक है, आगे सबसे बड़ी बात है कि मैंने अभी महाभारत का जिक्र किया कि ऐसे तमाम जो मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स हैं, ठीक है, उसका प्रवेश वर्जित बताया गया है और उसे लास्ट रिसॉर्ट में यूज करने की बात कही गई। हमारा अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, भारत कैसे कैसे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को हासिल किया, तो उसके कुछ तीन चार जो है बेसिक फोर पॉइंट है वहाँ हम देखेंगे। जैसे 1947 से लेकर पीरियड में इसको क्रोनोलॉजी में दर्शाया गया है, जैसे 1974 तक यह जो था एक डेवलपिंग स्टेज था और इसे फर्स्ट स्टेज के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें कि हम पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को हमने जारी रखा और एक प्रकार से शुरुआत किया, इनिशिएट किया। दूसरी है 1974 to 1998, मतलब 1974 से लेकर 1998 तक, जिसमें कि स्लो पाथ टुवार्ड वेपनाइजेशन, जिसमें कि हम न्यूक्लियर कैपेसिटी को हासिल करने के लिए हम अपने पथ को और अग्रसर बढ़ाया और हासिल किया। ठीक है, फिर 1998 to 2009 से लेकर 2009 तक हमने आपको अपने आप को एज अ भारत एक न्यूक्लियर कैपेसिटी वाला देश एज अ इस्टेब्लिश कर लिया और पूरे विश्व में 1998 में ही अटल जी के द्वारा जो है घोषणा कर दी गई थी कि अब हम आगे कोई परीक्षण नहीं करेंगे लेकिन अपने आप को हम न्यूक्लियर संपन्न देश घोषित करते हैं। और 2009 के बाद जो है भारत एक परमाणु संपन्न जो है राष्ट्र में कह सकते हो कि शामिल हो गया और यह जग जाहिर है। तो ये कुछ क्रोनोलॉजी थी। और भारत की अगर डॉक्ट्राइन के बारे में बात करूँ, भारत का कुछ सिद्धांत, जैसे भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण तो किया लेकिन ये अपनी सेफ्टी के लिए किया, अपनी सुरक्षा के लिए किया, एक डिटरेंस पैदा करने के लिए किया, क्योंकि भारत का जो है दो दुश्मन देश कह सकते हो, चाइना और एक पाकिस्तान, ठीक है,
दोनों तरफ से घिरा हुआ यह दुश्मन देश, और चाइना ऑलरेडी जो है परमाणु का परीक्षण 1964 में ही कर चुका था, तो उसको देखते हुए और चाइना के साथ हमारी 1962 में युद्ध भी हो चुकी थी, तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए भारत जो है एक कह सकते हो ना कि डिटरेंस क्रिएट करने के लिए ऐसी कैपेसिटी को हासिल करना उचित समझा। ठीक है, तो 1971 में भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हो चुका था, 1965 में भी युद्ध हुआ, तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हॉस्टाइल नेवर होने की वजह से हमने यह जो है एक अपनी नेसेसिटी समझा कि हमें जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हासिल करना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमने अपने कुछ सिद्धांत, कुछ हमने अपने दर्शन को इसमें समाहित किया कि हम जो है नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाएंगे। कहने का मतलब है कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का पहला प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, या चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, या किसी भी राष्ट्रों के साथ अगर हम जो है युद्ध में उतरते हैं, या हमारा जो है मतभेद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, वार होता है, बैटल होता है, इन दैट केस इंडिया विल नॉट यूज जो है परमाणु बम फर्स्ट। कहने का मतलब है कि परमाणु बॉम्ब्स, मतलब एक प्रकार से न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है, हम पहली दफा भारत की ओर से कभी भी किसी भी अन्य राष्ट्रों पर वह अटैक नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई अन्य राष्ट्र भारत के ऊपर अटैक करता है, इन दैट केस इंडिया कैन रिटेलिएट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक्स। और मैंने पहले ही बताया कि भारत न्यूक्लियर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को इसलिए हासिल करना चाहता था ताकि एक डिटरेंस क्रिएट हो, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है, चाइना भी जानता है कि भारत के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है, अगर हमने इस पर अटैक किया तो यह हम पे भी और अटैक करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर विश्व के किसी भी कितना ही कह सकते हो शक्तिशाली देश क्यों ना हो, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब से अगर किसी भी देशों पर हमला होता है तो उसकी तबाही और पूरी मानव जो है जाति के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए खतरा उत्पन्न होता है, और अंतोगत्वा इसमें जीत किसी की नहीं होती। ठीक है, आगे है ओनली एज ए रिटेलिएशन अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी तीसरा पॉइंट में है, सिर्फ रिटेलिएशन के लिए, कभी भी यह पहला अटैक नहीं करेगा। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट है कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट पर हम न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। जैसे ऐसा देश, जैसे बांग्लादेश या कोई भी ऐसा देश है, अगर युद्ध भी होता है और जिस देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, वैसे राष्ट्रों पर भारत कभी भी परमाणु हमला नहीं करेगा। ये इसके चौथे सिद्धांत में शामिल है। पांचवा है कि केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स को इंडिया जो है अपने पास नहीं रखेगा, और किसी भी कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल या फिर नॉन कन्वेंशनल युद्ध में, वॉर में, हम कभी भी ऐसे मास डिस्ट्रक्शंस और केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और आगे है सेकेंड स्ट्राइक। ठीक है, सेकेंड स्ट्राइक कहने का मतलब है कि हम हमेशा सेकेंड स्ट्राइक करेंगे जब भी कोई हमारे देश के ऊपर जो है न्यूक्लियर अटैक करता है तो, और वह सेकेंड स्ट्राइक ऐसा होगा जो कि वह युद्ध समाप्त सदा के लिए ही कर देगा, उस राष्ट्र को भी, उस दुश्मन देश को भी। तो खैर, ये भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। ठीक है, तो भारत की जो यह कह सकते हो कि परमाणु सिद्धांत, एक प्रकार से कह सकते हो न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल करने के बाद कुछ जो है फिलॉसफी भारत के अतीत से मिलता है, और भारत वर्तमान अपने जो है में कुछ ऐसे सिद्धांतों को बना के रखता है जिससे यह पता चलता है। और अभी रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के चेयरपर्सन के द्वारा भारत के जो है परमाणु जो है के सिद्धांतों के बारे में वो कह रहे थे कि हमारा जो परमाणु सिद्धांत है या परमाणु से संबंधित जो सिद्धांत है, जो नीति है, जो पॉलिसी है, वह जो है कह सकते हो कि हमारे अतीत और आदिकाल के दर्शन से मेल खाता है। ठीक है, तो डैट्स ऑल, थैंक यू, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वंस अगेन।